स्टार्ट विद द टॉपिक प्रोबेबिलिटी, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी है क्या. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इस वर्ड का मीनिंग अगर मुझे जानना है तो द वर्ड प्रोबेबिलिटी इटसेल्फ मीन प्रिडिक्शन. जब कभी भी हम बात करते हैं प्रिडिक्शन की स्टूडेंट्स, इट मींस हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की. प्रिडिक्शन मींस, अगर सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है प्रिडिक्शन. ठीक है, इसके अलावा अगर आप और वर्ड्स में जाना चाहें तो चांसेस, जब कभी भी चांसेस की बात आएगी तो प्रोबेबिलिटी आएगा, जब कभी भी अनसर्टेनिटी की बात आएगी तो भी प्रोबेबिलिटी आएगा. ठीक है, तो स्टडी, वी कैन से प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट स्टडी ऑफ चांसेस और स्टडी ऑफ अनसर्टेनिटी. लेकिन अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो प्रोबेबिलिटी वर्ड का मीनिंग होता है प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन ऑफ एनी इवेंट, दैट इज प्रोबेबिलिटी. आपने किसी भी इवेंट का प्रिडिक्शन किया तो प्रोबेबिलिटी हो गया. जैसे कि आज का वेदर फोरकास्टिंग, मींस आज गर्मी होने वाली है नहीं होने वाली है, दैट इज प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रिडिक्शन. मींस आज अगर कोई मैच आ रहा है तो उस मैच में बारिश होगी नहीं होगी, दैट इज प्रिडिक्शन, दैट इज प्रोबेबिलिटी. आज अगर स्नोफॉल होगा नहीं होगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी, प्रिडिक्शन. तो हम किसी भी इवेंट का, अगर हम हमारी डे टू डे लाइफ से में भी बात करें स्टूडेंट्स, तो अगर हम किसी भी इवेंट में प्रिडिक्शन की बात करेंगे, अगर कोई इवेंट या कोई थिंग हमें प्रिडिक्शन का सेंस देता है, इट मीन्स हम वहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे हैं. मीन्स टू जो नेक्स्ट आने वाला वर्ल्ड कप है 2019 के अंदर, उस वर्ल्ड कप में कौन सी टीम सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करेगी या कौन सी टीम जीतेगी या कौन सी टीम फाइनल में जाएगी, दैट इज प्रोबेबिलिटी. ठीक है, अपकमिंग अभी इलेक्शन सीजन चल रहा है तो इलेक्शन के अंदर कौन सी जो है पार्टी विनिंग होगी या रूलिंग पार्टी कौन सी बनने वाली, दैट इज प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रिडिक्शन. ओके, तो हम बात करने वाले हैं यहाँ बेसिक प्रोबेबिलिटी की. तो वर्ड प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स चांसेस और अनसर्टेनिटी, और यू कैन से द प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ चांसेस और अनसर्टेनिटी. ठीक है, अब बात करें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं. इस प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करने से पहले देर आर 5 or 6 इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग दीज टर्म्स आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं. बिकॉज जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे तो क्वेश्चन में ये टर्म्स यूज होंगी, और जब आपको उन टर्म्स का मीनिंग ही नहीं पता है तो आप उन क्वेश्चंस को कैसे समझेंगे. तो फर्स्ट हम स्टूडेंट सबसे पहले बात करें रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट मींस, अगर आपको कहीं भी ये वर्ड सुनाई दे या कहीं वर्ड आप ये देखें, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मीनिंग होगा कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका होना, मींस जिसके रिजल्ट को वी कैन नॉट प्रेडिक्ट. आप ऐसा बोल सकते हैं एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड. An experiment whose outcome cannot be predicted means, अगर कोई मेरे पास experiment है और उसका outcome मैं predict नहीं कर पा रही हूँ, that is random experiment. कैसे? Suppose हमारे पास में एक coin आया, suppose we have a coin, और उस coin के outcomes क्या हो सकते हैं हम सब अच्छे से जानते हैं. अगर कि हमारे पास एक coin है तो उस coin में या तो head होगा या तो tail होगा. means इस coin को अगर मैंने toss किया, उस coin पे head आएगा या tail आएगा ये मैं predict नहीं कर सकती हूँ, तो क्या हो जाएगा, that is random experiment. means डेफिनेटली इन दोनों में से कोई एक चीज तो आएगी आएगी, लेकिन मेरे पहली बार टॉस करने पे हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, दैट इज रैंडम, ये नहीं पता है, तो इसी को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट. ठीक है, सपोज डाइस आपके पास में, एक डाइस को आपने थ्रो किया, डाइस पे नंबर होते हैं 1 से लेकर 6 तक, तो उस डाइस पे कौन सा नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा, ऑड नंबर आएगा या क्या नंबर आने वाला है, दैट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट. ठीक है, तो उस एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोल देंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो बहुत बेसिक टर्म है, बेसिक वर्ड है, और इसका मीनिंग है सिंपल, एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड. तो प्लीज आप भी इस वर्ड के डिफाइन को नोट कर लीजिएगा. विद एग्जांपल हम समझ सकते हैं, कॉइन है, अगर कॉइन मेरे पास हेड और टेल है, या कॉइन के आउटकम समझाते हैं अच्छे से, एक डेफिनेटली इन दोनों में से आउटकम होगा या तो हेड होगा या तो टेल होगा, तो क्या होने वाला है, ये दोनों रैंडम है, वी जस्ट डोंट नो कि क्या है इसका आंसर या क्या है इसका पर्टिकुलर इवेंट, इन दोनों में से हेड या टेल में से क्या आने वाला है, तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट. ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टर्म की, दैट इज सैंपल स्पेस.
देखिए स्टूडेंट्स, सैंपल स्पेस मींस क्या हो गया, अगर हम इसी एग्जांपल से इस बात को समझना चाहें, सपोज मेरे पास में क्या है, एक डाइस है, सपोज आई हैव अ डाइस, और उस डाइस पे नंबर कैसे हैं, डाइस पे नंबर होते हैं हम अच्छे से जानते हैं, 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, तो 1 to 6 एक डाइस पे नंबर होते हैं। तो अगर किसी भी डाइस की हम बात करें, और इस डाइस के लिए मैंने बोला कि मैंने सपोज इस डाइस को थ्रो किया और मुझे क्या मिल गया, इवन नंबर मिल गया। मैंने अगर इस डाइस को थ्रो किया और अगर मुझे इवन नंबर मिल जाए, तो इवन नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 2, 4 और 6। ठीक है, तो 2, 4 और 6 तो मेरे लिए फेवरेबल केसेस बन गए कि ये तो मेरा रिक्वायरमेंट है, ये तो मैंने मांगा है। लेकिन ये जो रिमेनिंग आ रहा है, ये जो डाइस में जो रिमेनिंग नंबर्स आ रहे हैं, ये क्या बन गए, सैंपल स्पेस। मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी नंबर के लिए या किसी भी इवेंट के लिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर कॉल्ड सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या हो गया, किसी भी इवेंट की आप बात कर सकते हैं, आप डाइस की बात कर रहे हैं, आप नंबर्स की बात करें, आप कॉइन की बात करें। तो अगर डाइस में मैंने बात की 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, तो 1 से लेकर 6 तक मतलब टोटल नंबर, पॉसिबल नंबर क्या हो सकते हैं डाइस पे, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है जब हम उसको थ्रो करेंगे। तो डेफिनेटली क्या होने वाला है, इस डाइस के लिए सैंपल स्पेस इस 1 से लेकर 6 तक में कोई भी नंबर हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम को ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सैंपल स्पेस। ओके, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज इसको ध्यान रखें। अब बात करें सैंपल स्पेस से, एक नया वर्ड हम यहां से सीखने वाले हैं, इवेंट, या इसको कई जगह लिखा जाता है, कई बुक्स में इसको सैंपल पॉइंट्स भी लिखा जाता है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया डाइस है, डाइस को हमने थ्रो किया, डाइस पे नंबर 1 से लेकर 6 तक आते हैं, ये तो उसका सैंपल स्पेस हो गया, और आपने इसको डिनोट भी कर दिया किससे, एस से। ठीक है, अब क्या होने वाला है, इस डाइस पे अगर मैंने बोला मुझे इवन नंबर चाहिए, तो ये जो इवन नंबर है, मींस अगर मैं इस इवन नंबर को देखूं, तो 2, 4 और 6 आप अच्छे से बता सकते हैं मुझे देख के कि ये 2, 4 और 6 अगर मैं बोलूं, तो ये जो इवन नंबर्स हैं, ये इसके सैंपल स्पेस का क्या है, सबसेट है। यू कैन इजीली सी ना कि ये इसका क्या है, सबसेट है। क्यों, क्योंकि इसके जो सैंपल स्पेस में नंबर आ रहे थे, उसमें से एक नंबर 2 भी है, एक नंबर 4 भी, और एक नंबर 6 भी है। तो मींस 2 भी इसका क्या है, सैंपल स्पेस है, 4 भी इसका, सॉरी 2 भी इसका क्या है, सबसेट है, 4 भी इसका क्या है, सबसेट है, और 6 भी इसका क्या है, सबसेट है। अगर मैं कंबाइंड बात करूं इवन नंबर की, तो 2, 4, 6 तीनों क्या है, सबसेट है। तो ये क्या बन गया, ये इसका सबसेट बन गया। इस सबसेट को मींस अगर आप पर्टिकुलर नंबर 2, 4 या 6 की बात करेंगे, तो ये क्या बन जाएंगे, इवेंट बन जाएंगे। या अगर आप पर्टिकुलर इवन नंबर की बात करेंगे, तो इवन नंबर क्या बन जाएगा, इवेंट बन जाएगा। या 1, 3, 5 कोई भी एक नंबर की बात कर लीजिए, तो वो क्या बनेगा, इसका इवेंट बनेगा, या हम उसको बोलते हैं सैंपल पॉइंट्स। मींस व्हाट इज इवेंट, इवेंट मींस हो सकता है कि एक जो आपके पास गिवन है सैंपल स्पेस, उस सैंपल स्पेस का क्या हो गया, सबसेट हो गया। ठीक है, तो सैंपल स्पेस का सबसेट बन जाता है इवेंट, या हम उसको बोल सकते हैं सैंपल पॉइंट्स। राइट, तो बहुत बेसिक से डिफाइन है ये। फर्स्ट हमने एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमने देखा था रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट मींस एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। उस आउटकम जो आपको गिवन है, उसका आउटकम आप, जो एक्सपेरिमेंट गिवन है, उसका आउटकम आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट बन गया। ठीक है, रैंडम में कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, डाइस वाला ले सकते हैं, कॉइन वाला ले सकते हैं। फिर बात की थी हमने सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मींस हो गया कि हमारे पास अगर एक डाइस है, और डाइस पे नंबर 1 से लेकर 6 तक है, तो उस 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स में पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं। टोटल 1 से लेकर 6 तक है, मींस एक डाइस पे 1 से लेकर 6 तक में कोई भी नंबर आ सकता है, इसके अलावा 1 से कम और 6 से ज्यादा कोई नंबर नहीं आएगा। तो 1 से लेकर 6 तक का जो पोर्शन होगा, वो क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस बन जाएगा। इवेंट, इवेंट क्या हो गया, सैंपल स्पेस का ही सबसेट हो गया। पर्टिकुलर आपने उसमें से किसी एक नंबर की बात कर ली, या आपने डाइस में बोल दिया इवन नंबर, या ऑड नंबर, या सिर्फ एक नंबर की बात कर ली आपने, तो वो नंबर क्या बन जाएगा, वो इसके लिए इवेंट बन जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट्स बोलते हैं। राइट, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, दैट इज इक्वली लाइकली इवेंट्स। इज इक्वली लाइकली इवेंट, व्हाट इज इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट इज एन इवेंट हुज चांसेस ऑफ अकरेंस आर इक्वल, और यू कैन से सेम।
मीन्स दोज इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स जिनके लिए चांसेस ऑफ अकरेंस क्या हो, बिल्कुल बिल्कुल इक्वल इक्वल हो या सेम हो, तो दैट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट. इक्वली लाइकली इवेंट्स मीन्स चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट और चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ ऑल इवेंट्स आर इक्वल या सेम, राइट. अगर इसका एग्जाम्पल आप लेना चाहें तो वी कैन से एक कॉइन मेरे पास में है और वी कैन से टॉसिंग अ कॉइन सिंगल टाइम. एक कॉइन हमारे पास में है, हमने उसको टॉस किया है सिंगल टाइम, तो उसके लिए सैंपल स्पेस क्या बनेगा? स्टूडेंट्स आप जानते हैं सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस वुड बी हेड एंड टेल, राइट. तो हेड एंड टेल आपका सैंपल स्पेस हो रहा है. और अगर आपने यहाँ पे दो इवेंट्स डिजाइन किए ए और बी, वॉट इज ए? ए इज गेटिंग हेड. ए इज वॉट? गेटिंग ए हेड. और बी इज वॉट? गेटिंग ए टेल. तो बी मुझे मिला इवेंट टेल और ए हमारा इवेंट हो गया जब हेड आएगा, राइट. तो अगर इसके लिए मुझे ये पता करना है कि क्या ये इवेंट ए और इवेंट बी इक्वली लाइकली है या नहीं है, तो हम सब जानते हैं कि अगर एक कॉइन है और एक कॉइन को आपने टॉस किया तो उस पर आउटकम या तो हेड होगा या तो टेल होगा. तो हेड और टेल दोनों के आने के चांसेस क्या होते हैं? बराबर बराबर होते हैं, इक्वल इक्वल होते हैं. दोनों की पॉसिबिलिटी होती है क्या? 50-50% दोनों के चांसेस होते हैं आने के. तो इसका मतलब ये कौन सा इवेंट हो गया? इक्वली लाइकली इवेंट. लेकिन अगर आपने इसके प्लेस पे क्या लिया, सपोज एक बॉक्स आपके पास में है और उस बॉक्स में आपने क्या लिया है, 6 तो ब्लैक बॉल ले ली है और 4 आपने कौन सी ले ली है, रेड बॉल्स ले ली है. और आपको क्या करना है, आपको अगर इसमें से कोई भी एक बॉल निकालने को बोला जाए तो टोटल बॉल तो आपको दिख रही है कि यहाँ पे 10 बॉल्स है, राइट. लेकिन आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर यहाँ 6 ब्लैक बॉल्स है और 4 रेड बॉल्स है, तो डेफिनेटली ब्लैक बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी या ब्लैक बॉल को फाइंड आउट करने की या ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 60%. और रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 40%. तो ये क्या हुआ? ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि यहाँ पे चांसेस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है. इसके लिए 60% है और उसके लिए 40% है, तो इट इज नॉट ए इक्वली लाइकली इवेंट. लेकिन जब हम कॉइन की बात करते हैं तो इक्वली लाइकली इवेंट कहलाएगा, राइट. तो जब कभी भी प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस 50-50% हो या किसी भी इवेंट में कोई भी इवेंट आप ले लीजिए, उसके अकरेंस के चांसेस क्या हो, इक्वल हो या सेम हो, देन दैट इवेंट इज कॉल्ड व्हाट? इक्वली लाइकली इवेंट. जैसे कि अपने नाम से क्लियर हो रहा है, राइट. कम टू द नेक्स्ट वन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को हम बोलते हैं, यू कैन से टोटली डिसजॉइंट. सिंपल लैंग्वेज में अगर आप बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? इट इज टोटली डिसजॉइंट. मींस बिल्कुल अलग अलग, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट, दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है. मींस अगर मैं एग्जांपल लूं, हमने लिया सपोज एक कॉइन, जो भी हमने सिंपल लिया था एग्जांपल, एक कॉइन पे क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. मींस उस कॉइन का सैंपल स्पेस क्या हो गया? हेड और टेल हो गया, राइट. अगर इस कॉइन की बात करें और अगर इवेंट ए आपने लिया है जिसको आपने हेड से डिनोट किया है, अगर इस कॉइन पे हेड आता है तो उसको हमने डिनोट किया है इवेंट ए से, और अगर इस कॉइन पे क्या आता है, टेल आता है, तो हम उसको डिनोट कर रहे हैं किससे? बी से, इवेंट बी से. तो ये जो इवेंट ए और इवेंट बी है, अगर आप इन दोनों में कोई ना कोई चीज कॉमन देखिए, या अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन करना चाहें, हम जानते हैं अच्छे से कि ए इंटरसेक्शन बी अगर हम करेंगे, इवेंट ए और इवेंट बी का इंटरसेक्शन अगर हम करेंगे, तो डेफिनेटली मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पे? 5 मीन्स नल, नल मीन्स जीरो, राइट. तो क्या हो गया कि व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स? ऐसे इवेंट्स जिनका इंटरसेक्शन क्या हो? 5 हो, मींस 0 हो. मींस आप ऐसा बोल सकते हैं, दो ऐसे इवेंट जो बिल्कुल क्या हो, टोटली डिसजॉइंट हो, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट हो, राइट. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मींस हो गया टोटली डिसजॉइंट. लेकिन अगर मैं इसी के साथ एक एग्जांपल और लूं, अभी हमने कॉइन का एग्जांपल लिया, लेकिन अगर हम बात करें स्टूडेंट्स किसकी, डाइस की, और हम जानते हैं डाइस पे नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो एक डाइस पे नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 and 6. अगर इस नंबर की बात करें या इस डाइस की बात करें, और डाइस पे अगर हम बोले इवन नंबर आ जाए, डाइस पे अगर इवन नंबर आ जाए, तो इवन नंबर क्या होंगे इसमें? 2, 4 और 6. और अगर इसी डाइस पे ऑड नंबर की बात करें, तो ऑड क्या होने वाले हैं?
1, 3 और 5, ठीक है। तो इवन और ऑड अगर आप यहाँ फिर से देखेंगे, इस इवन नंबर को आपने ए इवेंट दे दिया और ऑड नंबर को अगर आपने बी इवेंट दिया है, देन अब यू कैन इजीली सी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होने वाला है। आप मुझे बता देंगे फटाफट से कि मैम ये तो ए इंटरसेक्शन बी तो 5 होने वाला है। 5 मीन्स फिर से ये क्या हो गया, अगर ये इवन और ऑड है और ये डाइस है, तो इसका मतलब ये कौन सा जो है एक्सपेरिमेंट हो गया या कौन सा इवेंट हो गया, ये हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, राइट। एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऐसे इवेंट्स हो गए, सपोज आपने एक इवेंट लिया है ए और एक इवेंट लिया है बी, और अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन मिला के, सॉरी इन दोनों का यूनियन मिला के क्या बन जाए, आपका सैंपल स्पेस बन जाए, देन यू कैन से ये क्या है, ये एग्जॉस्टिव इवेंट है। मीन्स आप ऐसा बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, या यूनियन ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज नथिंग बट एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हैं, जो भी हमने डिस्कस किया था डाइस वाले केस में, वापस डाइस हमारे पास में है, डाइस पे नंबर होते हैं 1 से लेकर कहां तक 6 तक, राइट। हम जानते हैं डाइस पे नंबर होते हैं दो तरीके के, कौन कौन से, इवन नंबर। इवन अगर मैंने लिया तो क्या बनेगा, 2, 4 और 6 बनेगा। अगर यहाँ पे मैं क्या लूँ, ऑड लूँ, तो क्या बनने वाला है स्टूडेंट्स, ऑड लेंगे तो बन जाएगा ये 1, 3 और 5, राइट। अगर इस इवन को आपने ए इवेंट से डिनोट किया और ऑड को अगर आपने बी इवेंट से डिनोट किया, देन यू कैन इजीली सी, आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये ए यूनियन बी क्या बनेगा, ये ए यूनियन बी आपका एस बनेगा, मीन्स डाइस बनेगा, जो उसका क्या है, सिंपल स्पेस, राइट। तो अगर कभी भी दो इवेंट्स का यूनियन, मींस दो इवेंट्स को अगर हम ले, दो डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स हम ले रहे हैं यहाँ पे ए और बी, मींस इवन और ऑड नंबर लिया, और अगर उनका यूनियन हमने देखा वो क्या बन गया, वो खुद हमारा सैंपल स्पेस बन गया, देन दैट टाइप ऑफ इवेंट्स आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, राइट। तो अब बात करते हैं लास्ट इवेंट की, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। इसके नाम से क्लियर हो रहा है, सपोज अब तक हम अगर किसी भी इवेंट को ई से डिनोट करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट ई। लेकिन अगर आप ऐसा बोले कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई है, मींस क्या हो गया कि ये इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी है, राइट। अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, नॉट हैपनिंग या नॉट अकरिंग इवेंट ई। तो इवेंट ई के नहीं होने के जो चांसेस हैं या इवेंट ई के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है, वो कौन से केस में चली जाएगी, वो चली जाएगी उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में, राइट। जैसे अब हम ये एग्जांपल ले, डाइस हमारे पास में है 1, 2, 6 आपके पास आ रहा है, इवन नंबर अगर आता है तो आप उसको ए सेट से डिनोट कर रहे हैं, और ऑड नंबर आएगा तो हम उसको बी इवेंट या बी सेट से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे किया स्टूडेंट्स, इवन आ रहा है मीन्स आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे, और ऑड आएगा मीन्स आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपने निकाला, मैं बोल रही हूँ मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं चाहिए, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार चाहिए। A बार means what? Complementary. हम इसको denote कर दें किससे? बार से. Means A बार means क्या हो गया? इस event A के नहीं होने की probability. तो ये event A, A बार क्या बन गया? A का complementary. तो अगर हम जब कभी भी हम complementary events की बात करेंगे, तो we can easily see अगर event A है, तो उसका complementary event क्या हो जाएगा? A बार. A बार means what? उस event A के नहीं होने की probability या chances, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं। अगर नंबर की बात कर रहे हैं तो नंबर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, राइट। तो दीज आर द 7 इंपॉर्टेंट टर्म्स जो बिफोर स्टार्टिंग प्रोबेबिलिटी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, राइट।